हेलो दोस्तों, देखिए ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स में 1995 में पूछा गया था। इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा लीगल डिवाइस है जो कि इंश्योर करता है कॉर्पोरेशंस और कोऑर्डिनेशंस बिटवीन द स्टेट एंड इंडिया में। ये सवाल पूछा गया था 1995 में। जैसे पहला है इंडियन नेशनल द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, दूसरा है द गवर्नर कॉन्फ्रेंस, तीसरा है जोनल काउंसिल और चौथा है इंटर स्टेट काउंसिल। अब इन चारों में से बताना है कोर्ट्स के हिसाब से कि इनमें से ऐसा कौन से डिवाइस है जो कि इंश्योर करता है स्टेट और इंडिया के बीच में कॉर्पोरेशंस और कोऑर्डिनेशन। जैसे ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 1, 2, 3, ऑप्शन सी है 3 और 4 और ऑप्शन डी है ओनली 4। तो इसका जो राइट आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि सिर्फ पहला और तीसरा। अब जैसे एक्सप्रेशंस की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडी होती है जिसके बारे में मेंशन आपको किसके अंदर देखने को मिल जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर में देखने को मिल जाएगा। मतलब बकायदा उसके रिगार्डिंग में आपको आर्टिकल और उसकी पोजीशंस एक्सप्लेनली कर देखने को मिलेगा। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडी होती है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर में मेंशन नहीं होती, उसको अलग अलग तरीके से क्रिएट करके बनाया जाता है। स्टैचुरी बॉडी वो बॉडी होती है जो कि क्रिएट किया जाता है, बकायदा कानून बना करके उसको पास किया जाता है। जैसे हम एग्जांपल की बात करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, लोकपाल, सीबीआई और जोनल काउंसिल के बारे में। एग्जीक्यूटिव बॉडी वो बॉडी होती है जो कि क्रिएट किया जाता है, किसके द्वारा, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा इसे बनाया जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं नीति आयोग, नीति आयोग किसको रिप्लेस करके बनाया था, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग बना गया। या हम बात करते हैं उडाई, यानी कि UIDAI, मतलब जो कि आधार कार्ड के रिगार्डिंग में था। ये कुछ ऐसी बॉडीज हैं जो कि हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें।